माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नमस्ते। टुडे आई विल टीच यू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बिफोर आई टीच यू दिस टेंस, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस टेंस। प्रिय विद्यार्थी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें इस बात की सूचना देता है कि कोई कार्य भविष्य में किसी निर्दिष्ट समय पर, दिए गए समय पर समाप्त हो चुकेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट ए एक्शन और वर्क दैट विल एंड इन फ्यूचर ऑन ए गिवन टाइम। यह टेंस हमें इस बात की सूचना देता है कि कोई कार्य भविष्य में दिए गए समय पर समाप्त होगा। अब यह भी ध्यान देने वाली बात है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ओनली वन एक्शन आर वर्क। यह जरूरी नहीं है कि इस टेंस में केवल एक ही कार्य हो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कभी कभी ऐसे भी वाक्य आते हैं जिनमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं और एक कार्य पहले समाप्त हो चुका है, दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। इसलिए माइंड इट, इसको ध्यान से सुने कि यदि यह टेंस दो कार्यों का उल्लेख कर रहा हो जो अतीत में समाप्त होंगे, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है, द वर्क विच विल एंड बिफोर द एंडर, जो कार्य दूसरे कार्य की तुलना में पहले समाप्त होगा, तो दिस बिफोर एंडिंग वर्क विल बी एड्रेस्ड इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा, प्रधान उपवाक्य होगा। और जो कार्य बाद में समाप्त होगा, द वर्क विच विल एंड लेटर, लेटर ऑन, बाद में, That will be the sentence of present indefinite tense। वह present indefinite tense का वाक्य होगा। It means past perfect tense में एक भी कार्य हो सकता है जो अतीत में, जो भविष्य में दिए गए निर्दिष्ट समय पर समाप्त हो गया, या दो कार्य भी साथ साथ चल सकते हैं जिसमें भविष्य में एक कार्य पहले समाप्त होगा और दूसरा कार्य उसके पश्चात समाप्त होगा। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना करके लिखते हैं। यह इसकी तकनीकी है। अब इसकी पहचान क्या है? क्योंकि परफेक्ट की पहचान मैंने आपको पहले बताया है, परफेक्ट जहां भी होगा वह कार्य की पूर्णता ही बताएगा। एक काम है तो उसकी पूर्णता बताएगा, और दो कार्य हैं तो उनकी भी पूर्णता बताएगा, भले ही कोई पहले समाप्त हो जाए कोई बाद में समाप्त हो। इसलिए हमने आपको पहचान बताई थी कि चुका, चुकी, चुके, परफेक्ट वहीं रुके। दिस इज मेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफेक्ट टेंस इन एनी फॉर्म। किसी भी फॉर्म में परफेक्ट टेंस की यह पहचान है कि चुका, चुकी, चुके, परफेक्ट वहीं रुके। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट है तो चुका था, चुकी थे, चुकी हैं, चुकी थे, चुके थे, वहाँ पर थे लग जाता है, थी लग जाता है, था लग जाता है। अब चूंकि हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं तो इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसमें गा, गी, गे, चुका के साथ साथ इसमें गागी गे लग जाते हैं,
और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सूचना देते हैं। तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे जहां हो, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे जहां हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वहां हो। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे जहां हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वहां हो। जहां भी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे जैसे शब्द होंगे, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। आपको इसको पहचान कर लेनी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि हाउ वी कैन मेक ए सेंटेंस, हाउ वी कैन ट्रांसलेट फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस इनटू इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज, कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम जानते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सब्जेक्ट, कर्ता, देन वी यूज हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पर इज एम आर नहीं है, वाज वेयर नहीं है, शैल बी और विल बी का भी प्रयोग फ्यूचर इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नहीं होता। क्योंकि फ्यूचर है तो यहाँ पर शैल या विल का प्रयोग तो होगा ही, लेकिन यहाँ बी की जगह पर हैव लगाते हैं, शैल हैव और विल हैव। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट टेंस में क्रिया का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव आर शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। दिस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर दो वाक्य दिए हुए हों तो पहले कार्य जो समाप्त होगा उसको इस नियम से बनाएंगे, और जो दूसरा कार्य होगा उसके लिए भी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप जानते हैं। इस प्रकार हमारा वाक्य बन जाता है। अब एक कंफ्यूजन हो सकता है कि साहब हमारे पास विल हैव और शैल हैव दोनों हैं, हम कहाँ पर विल हैव लगाएंगे और कहाँ पर शैल हैव लगाएंगे, वेयर वी कैन यूज शैल हैव एंड वेयर वी कैन यूज विल हैव, कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए आप इसको स्मरण करें कि यहाँ लगाते शैल हैव, यहाँ लगाते शैल हैव, आई वी के साथ, यहाँ लगाते शैल हैव आई वी के साथ, शेष जगह विल हैव हो, बांधो इसकी गांठ। अगर आई और वी आते हैं तो शैल हैव लगाते हैं, शेष हर जगहों पर एक बचन, बहुवचन, ही सी इट दे यू आज, चाहे जो भी आते हैं, आई वी को छोड़कर उनके साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं, आई वी के साथ हम केवल शैल हैव का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में ये आपको ध्यान देना होगा कि फर्स्ट पर्सन के साथ ही हम शैल हैव का प्रयोग करते हैं, शेष सभी पर्सन के साथ और बहुवचनकर्ता के साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। यह तकनीकी है इसकी। अब प्रश्न उठता है, इसमें एक और सी तकनीकी है कि यहाँ पर समय के लिए जब हम प्रयोग करते हैं मंडे ट्यूसडे दोपहर तक शाम तक, तो यहाँ पर इन शब्दों के पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं, बाई मंडे, बाई नून, इस तरह से बाई टुमारो, कहीं कहीं ऑलरेडी का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम से के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। और जहाँ दो काम होते हैं, एक काम पहले समाप्त होता है दूसरा बाद में, वहाँ पूर्व आता है, पहले शब्द आता है, तो पहले के लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। ये सामान्य सी बात है। जैसे अब आपसे हम कोई चीज़ पूछें कि मैं दोपहर तक पत्र लिख चुकूंगा, मैं दोपहर तक पत्र लिख चुकूंगा, चूंकि
मैंने आपको पहचान बताई कि चुका चुकी चुके परफेक्ट वहीं रुके, तो चुका चुकू शब्द था इसलिए परफेक्ट हो गया। लेकिन वाक्य के अंत में गा है तो मैंने आपको बताया था कि चुकेगा चुकेगी चुकेंगे जहां हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वहां हो। तो यहां पर चुकूंगा है, मैं दोपहर तक पत्र लिख चुकूंगा। तो मैं बिलोंग्स टू फर्स्ट पर्सन, आई हैव टोल्ड यू, वी यूज शैल बी विद आई। तो आई के साथ क्या हो गया, शैल बी, आई शैल बी, आई शैल हैव, सॉरी यहां पर शैल के साथ बी नहीं, हैव, आई शैल हैव, आई शैल हैव। अब क्या कर चुकूंगा, तो लिख चुकूंगा। लिखना एक क्रिया है, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट रोट रिटन, आई शैल हैव रिटन, आई शैल हैव रिटन। अब प्रश्न आता है क्या लिख चुकूंगा, तो कहते हैं लेटर, ऑब्जेक्ट द लेटर, आई शैल हैव रिटन द लेटर। कब तक, उनका दोपहर तक, तो जहां समय बेटा आ जाता है वहां हम बाई का प्रयोग करते हैं इस टेंस में, तक से के लिए। तो यहां पर आ गया बाई नून, एन डबल ओ एन नून, आई शैल हैव रिटन द लेटर बाई नून, मैं दोपहर के पहले पत्र लिख चुकूंगा। तो यहां पर एक काम था, मैंने ही एक काम करने की बात कही कि पत्र लिख चुकूंगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर दो कार्य साथ साथ घटित हो रहे हो और भविष्य में एक काम पहले समाप्त होता है, दूसरा काम बाद में समाप्त होता है, तो जो काम पहले समाप्त होता है द वर्क विच विल एंड फर्स्ट, जो पहले समाप्त होगा विल बिलोंग टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड अंदर विल बिलोंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे है कि कृषक वर्षा प्रारंभ होने से पहले, किसान वर्षा प्रारंभ होने से पहले अपनी फसलें काट चुकेंगे, किसान वर्षा प्रारंभ होने के पहले अपनी फसलें काट चुकेंगे। तो सबसे पहले हमें खोजना होता है सब्जेक्ट, कौन काट चुके होंगे, तो कहें फार्मर, किसान, तो द फार्मर्स हो गया आपके सब्जेक्ट। फिर कहते हैं क्या कर चुके होंगे, उनका साहब फसलें काट चुके होंगे, तो फसल क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। यहां पर काटना क्या है, क्रिया। अब दो चीज यहां पर है कि किसान वर्षा प्रारंभ होने के पहले फसलें काट चुके होंगे, तो वर्षा का प्रारंभ होना और फसलों का काटा जाना, यहाँ पर दो कार्य है। अब वर्षा प्रारंभ होने के पहले फसलें काट चुके होंगे, यानी फसल का कटना पहले, वर्षा बाद में, तो जो काम पहले होगा विल बिलोंग टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, और जो काम बाद में होगा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में चला जाएगा। तो अब क्या हो गया कि किसान अपनी फसलें काट चुके होंगे वर्षा प्रारंभ होने के पहले, किसान अपनी फसलें काट चुके होंगे वर्षा प्रारंभ होने के पहले, तो सब्जेक्ट हो गया द फार्मर, फार्मर्स, द फार्मर्स, चूंकि आई वी के साथ शैल हैव लगता है, बाकी के साथ विल हैव लगता है, तो यहां पर विल हैव, द फार्मर्स विल हैव काटने की रीप, तो रीप से रीप्ड, काटना, द फार्मर्स विल हैव रीप्ड दियर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट फसलों को, बिफोर द रेन बिगिंस, बिफोर द रेन बिगिंस, यहाँ पहले के लिए बिफोर आ गया और द रेन बिगिंस माने वर्षा शुरू होने के पहले। तो कह रहे हैं कि बारिश शुरू होने से पहले किसान अपनी फसलें काट चुके होंगे, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी,
मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकेगी, गाड़ी जा चुकेगी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो गाड़ी पहले जा रही, जो काम पहले होगा फ्यूचर परफेक्ट। द ट्रेन विल हैव गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन, बिफोर आई रीच द स्टेशन। ओके, अब प्रश्न आ गया कि हाउ वी कैन मेक निगेटिव सेंटेंस। तो बेटा निगेटिव के लिए नॉट लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, हैव के पहले नॉट लगाते, सदा निगेटिव वाक्य बनाते। यहाँ पर विल हैव और शैल हैव हमारे पास है, तो हम विल नॉट हैव शैल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं, अर्थात हैव के पहले नॉट लगाते, सदा निगेटिव वाक्य बनाते। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले रेल नहीं जा चुकेगी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेल नहीं जा चुकेगी, इसका मैंने अभी पॉजिटिव बताया, अब नेगेटिव है। द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन, द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। इसी तरह अन्य वाक्य बनते हैं। अब प्रश्न आता है कि हाउ वी कैन मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव में आप हमारे पास एक शब्द बड़ा टेक्निकल होता है, क्या वह क्या कर रहा, वह क्या कर रहा है, यहां पर क्या बीच में है, और क्या वह जा रहा है, यहां क्या पहले। तो जहां बेटा क्या शब्द पहले आता है वहां के लिए तो हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते, लेकिन जब क्या बीच में आता है वाक्य की तो उसके लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं। इसलिए क्या के प्रयोग में बहुत समझदारी जरूरी है। वाक्य के पहले जब क्या दिया हो तो हम इसको क्रिया से ही बदल देते हैं, लेकिन जब वाक्य के अंत में दिया हो, वाक्य के बीच में दिया हो, तो हम क्या के प्रयोग के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले मास्टर जी जा चुकेंगे, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले मास्टर जी जा चुकेंगे, यहाँ क्या कहाँ आया है वाक्य के पहले में, क्या मेरे स्कूल पहुंच पहले ही आ गया। तो जहाँ पहले आता है बेटा उसके लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते, यहाँ हम इसको बस मॉडल ऑक्सिलरी से ही समाप्त करेंगे। विल द टीचर हैव गॉन, विल द टीचर हैव गॉन बिफोर आई रीच द स्कूल, विल द टीचर हैव गॉन बिफोर आई रीच द स्कूल। क्यों, यहाँ पर क्या शब्द जो है वो पहले आया था, जब बीच में आता है तो डब्ल्यू एच वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। अब विल या शैल जब पहले आए, विल या शैल जब पहले आए, इंट्रोगेटिव वाक्य बनाए, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए हमें विल या शैल को प्रयोग के अनुसार सब्जेक्ट के बाएं लगाना पड़ता है, वाक्य में पहले प्रयोग करना पड़ता है, और कोई परिवर्तन नहीं होता। जो पॉजिटिव केस होता है उस पॉजिटिव का विल और शैल उठा करके लगा दीजिए सब्जेक्ट के पहले बाएं तरफ तो इंट्रोगेटिव हो जाता है। अब अगर कहीं पर कहाँ कब किसको कैसे बताएं, अगर वाक्य के अंत में आ जाता है कहाँ कब कैसे, कहाँ कब कैसे किसको बताएं, तब क्या करेंगे, तब क्रिया से काम नहीं चलेगा। वह कहाँ जा रहा होगा एक वाक्य है, जैसे डॉक्टर के आने के पूर्व माता जी रामायण पढ़ चुकेंगी,
डॉक्टर के आने के पूर्व माताजी क्यों रामायण नहीं पढ़ चुकेंगी? अब यहाँ क्यों आ गया? साधारण वाक्य से आ गया इंट्रोगेटिव। डॉक्टर के आने के पहले माताजी रामायण क्यों नहीं पढ़ चुकेंगी? तो यहाँ क्यों के लिए बेटा हमको क्या करना पड़ता है कि कहाँ, कब, क्यों, किसको, कैसे बताएं, कहाँ, कब, किसको, क्यों, कैसे बताएं। वाक्य के पहले इनकी अंग्रेजी बनाएं, वाक्य के पहले इनकी अंग्रेजी बनाएं, इसलिए इनकी अंग्रेजी बनानी पड़ती है। क्या डॉक्टर के आने के पूर्व माताजी क्यों रामायण नहीं पढ़ चुकेंगी? क्यों नहीं, क्यों पढ़ चुकेंगी? तो हो जाता है वाई विल मदर हैव रीड, रीड से क्या होगा, रीड रेड रेड, वही स्पेलिंग है, रेड पढ़ा जाए। वाई विल मदर हैव रेड द रामायण बिफोर द डॉक्टर कम्स, बिफोर द डॉक्टर कम्स, प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य अंत में हो जाए। अब इसी को इंट्रोगेशन विद निगेशन करना हो तो हमें कुछ नहीं करना होता, हैव के पहले नॉट लगाते, सदा निगेटिव वाक्य बनाते। इंट्रोगेटिव में विल हैव बाहर आ जाते हैं और निगेटिव में हैव के पहले नॉट आ जाता है, तो नॉट लगा दीजिए कि डॉक्टर के आने के पूर्व माताजी क्यों नहीं रामायण पढ़ चुकेंगी? तो व्हाई विल मदर नॉट हैव रेड द रामायण बिफोर द डॉक्टर कम्स। इस प्रकार मुझे विश्वास है यदि आप बारीकियों पर ध्यान देंगे तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन बना रहता है तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू आर फ्री टू राइट डाउन योर डाउट्स, योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी शंका का समाधान करूं। इसी के साथ पुनः लॉकडाउन 2 का पालन करते हुए लॉकडाउन 3 में भी सोशल डिस्टेंस बनाते हुए अध्ययन अध्यापन को जारी रखने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप भी स्टे एट होम, रीड रेगुलरली, बी ओबीडियंट। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।